छत्तीसगढ़ के पहले प्रोजेरिया पीड़ित ने कहा दुनिया को अलविदा। शैलेंद्र के निधन पर सीएम भूपेश ने जताया दुख। 2021 में बने थे एक दिन के कलेक्टर। गरियाबंद जिले में प्रोजेरिया नामक लाइलाज बीमारी प्रोजेरिया से जूझ रहे 18 साल के शैलेंद्र ध्रुव का कल सोमवार रात निधन हो गया है। शैलेंद्र की इच्छा पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अक्टूबर 2021 में उसे एक दिन का कलेक्टर बनाया था। उस वक्त शैलेंद्र की उम्र 16 वर्ष की थी और वह कक्षा 11वीं का छात्र था। दूरस्थ वनांचल ग्राम मेटकी डबरी का निवासी था। जानकारी के मुताबिक एक दिन के कलेक्टर रहे शैलेंद्र की तबीयत कल सोमवार रात 9 बजे के करीब बिगड़ी। उसके सीने में तेज दर्द होने लगा। उसके परिजन उसे रसेला के एक निजी अस्पताल में ले गए, जहां शैलेंद्र की हालत बिगड़ती चली गई और रात 10:30 बजे आखिरी सांस ली। सीएम भूपेश बघेल ने जताया दुख। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शैलेंद्र के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया कि सुबह दुखद सूचना मिली, शैलेंद्र ध्रुव अब हमारे बीच नहीं रहे। गरियाबंद के छुरा के ग्राम मेटकी डबरी के रहने वाले शैलेंद्र प्रोजेरिया बीमारी से ग्रसित थे। हमने उसकी एक दिन की कलेक्टर बनने की इच्छा तो पूरी कर दी थी, लेकिन ईश्वर की कुछ और इच्छा थी। भगवान उसका ख्याल रखे, घर वालों को हिम्मत मिले। ओम शांति। एक दिन का कलेक्टर बनाकर सीएम भूपेश बघेल ने पूरा किया था सपना। अक्टूबर 2021 में प्रोजेरिया से पीड़ित शैलेंद्र ध्रुव को एक दिन के लिए कलेक्टर बनाया गया था। डिप्टी कलेक्टर रुचि शर्मा शैलेंद्र को उनके घर लेने पहुंची थी। वहीं कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर ने सारे प्रोटोकॉल का पालन किया था। खास बात है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एसपी कॉन्फ्रेंस में शैलेंद्र ध्रुव को अपनी बगल में उठाया था और सारे उच्च अधिकारियों से उसकी मुलाकात भी कराई थी। बड़ा होकर कलेक्टर बनना चाहता था शैलेंद्र। शैलेंद्र बचपन से कलेक्टर बनने का सपना देखता था। इसे प्रशासन ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आदेश पर पूरा किया था। 2021 में जैसे ही शैलेंद्र कलेक्टर ऑफिस पहुंचा, तो उसने उससे मिलने कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर खुद कार तक आए और उसे शैडो कलेक्टर की जिम्मेदारी दी थी। इसके बाद वो मुख्यमंत्री से मिलने रायपुर पहुंचा था। पाव फिल्म के ओरो की तरह दिखता था शैलेंद्र। शैलेंद्र इस गंभीर बीमारी से पीड़ित होने के चलते बॉलीवुड फिल्म पा के किरदार ओरो की तरह दिखता था। फिल्म में यह किरदार अमिताभ बच्चन ने निभाया था। गॉड ऑफ ऑनर में दिया गया था स्थान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में IGSP कॉन्फ्रेंस के दौरान ही शैलेंद्र से मुलाकात की थी। उन्होंने शैलेंद्र को अपने पास की कुर्सी पर बिठाया था। एसपी कॉन्फ्रेंस के बाद पुलिस बल द्वारा मुख्यमंत्री को दिए जाने वाले गॉड ऑफ ऑनर में भी शैलेंद्र को भी स्थान दिया गया था। मुख्यमंत्री ने शैलेंद्र का परिचय मंत्रियों और अधिकारियों से भी कराया था तथा गरियाबंद एसपी से कहा था कि वे शैलेंद्र को अपने दफ्तर में भी बुलाएं। राज्य का पहला प्रोजेरिया पीड़ित शैलेंद्र राज्य का पहला प्रोजेरिया पीड़ित था। उसकी बीमारी का पता 4 साल पहले पता चला था। बीमारी के कारण उसकी शारीरिक कोशिकाओं का अधिक विकास हो चुका था, जिसके चलते वह 80 साल के बुजुर्ग जैसा नजर आता था। आइए जानते हैं प्रोजेरिया बीमारी के बारे में। प्रोजेरिया सिंड्रोम एक दुर्लभ और जानलेवा बीमारी है। इसे बेंजामिन बटन के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों में यह बीमारी लैमिन एजिन में गड़बड़ी होने के कारण होती है। इस बीमारी के संकेत पहले से नहीं मिलते, यह अचानक ही हो जाती है, लेकिन 2 साल तक की उम्र में बच्चों में इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। बहुत जल्द ही यह बीमारी बच्चों को मौत की ओर ले जाती है। इस बीमारी से पीड़ित बच्चों की लगभग 20 या 21 साल की उम्र में मौत हो जाती है। वैज्ञानिक इस बीमारी के इलाज की खोज में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक इसका इलाज नहीं मिल पाया।